अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर गाइस होगा। आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी आई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब अपडेट की लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं आई टी आई पास आउट छात्रों के लिए नॉन गवर्नमेंट भर्ती हैं, ये भर्ती आपके लिए परमानेंट भर्ती नहीं होगी, लेकिन एक बड़े विभाग में भर्ती हैं जो कि हैं होमी भाभा रिसर्च सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर जो हॉस्पिटल हैं उसमें आई टी आई टेक्नीशियन पास आउट छात्रों की रिक्वायरमेंट है। पोस्ट कितनी हो मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है और आप लोगों ने भी कई सारे बच्चों ने इस बात के लिए मुझसे कमेंट किया है। मैंने एक पोल करवाया था उसमें बताया है कि चाहे भर्ती सर 1 हो 2 हो 5 हो 50 हो या 50,000 हो, आपको हर वीडियो यहाँ पर अपलोड करनी है जो आई टी आई पास आउट छात्रों के लिए होगी। होमी भाभा रिसर्च सेंटर की तरफ से आई टी आई टेक्नीशियन की भर्ती निकल कर आ रही है, जिसके लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये जो भर्ती होगी टोटली इंटरव्यू पर होगी, इंटरव्यू पास होने के बाद आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा। 21,216 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, मानव संसाधन विकास विभाग होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल है, इसकी तरफ से ऑन कॉन्टैक्ट आउटसोर्स वैकेंसीज यहां पर निकाली गई हैं। इसके जो इंटरव्यूज़ आप लोगों के होंगे वो सुबह 9:30 से 11:30 तक रहने वाले हैं। और कहां पर होंगे वेन्यू इन्होंने दिया है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमंग नगर, यमुना नगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर बिहार में आप लोगों का होने वाला है। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोगों को इस पर किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं करना है फिलहाल, जब तक आप पूरा नोटिफिकेशन रीड ना कर लें और आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैच हो तो आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। वैसे यहाँ पर फॉर्म कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, मैं पूरा आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम देखें वॉक इन इंटरव्यू 27/7/2023 यानी कि 27 जुलाई को जो इंटरव्यूज़ यहाँ पर होंगे वो होंगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए। जिन छात्रों ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आई टी आई पास आउट की हुई हैं, 10th+ IT आप लोगों का होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और 2 ईयर फुल टाइम कोर्स के साथ आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, या फिर आप लोगों ने ITI इलेक्ट्रीशियन से करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो ITI प्लस NCVT से ITI के बाद इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क्स इन इंडस्ट्री, यानी कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का जो वर्क होता है इंडस्ट्री में, जैसे कि कोई भी मशीनरी का ख़राब हो जाना, किसी भी इक्विपमेंट का चेंज करना, वो सब किसी इंडस्ट्री या फिर किसी हॉस्पिटल में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप लोगों का चलेगा। ITI सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। अधिकतम एज लिमिट आप लोगों की 27 साल रखी है, 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। बात करें सैलरी की तो सैलरी यहाँ पर मंथली सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है, 21,216 रुपये आप लोगों का पर मंथ सैलरी यहाँ पर इसमें मिलने वाली है। पोस्ट की बात करें तो ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल यहाँ पर 4 पोस्टें हैं जो कि रहने वाली हैं टोटली ITI पास आउट छात्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसके बाद टेक्नीशियन जो 12th जिन्होंने साइंस से किया हुआ है, डिप्लोमा 1 साल का किया हुआ है ICU वगैरह का, और डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट, जिन छात्रों ने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से या बायोमेडिकल से 1 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा किया हुआ है वो भी इसमें जा सकते हैं। इसके बाद MSc, इसके बाद यहाँ पर ITI की कोई भी पोस्ट नहीं है, ITI की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 पोस्टें हैं जो कि हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जिसमें ITI प्लस आपसे 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 21,216 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। जिन छात्रों ने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है वो जरूर से अप्लाई करना, यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी काम आने वाला है। द आउट स्टेशन कैंडिडेट जो है मैं अटेंड द इंटरव्यू ऑनलाइन, यानी कि जो आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू को ऑनलाइन भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए जो दूर रहते हैं वो यहाँ पर इसको ऑनलाइन अटेंड करेंगे। इसके लिए आप लोगों को अपना रिज्यूम अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेजना होगा। जो आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं जो बाहर रहते हैं वो छात्र इसके लिए यहाँ पर इनकी मेल वेबसाइट दी हुई है requirement@hbchrcmzb.tmc.government.in पर जाना है, और यहाँ पर ये अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिंगल पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ इनकी बना करके भेज देना है। और जो छात्र वहाँ पर जाएंगे उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो टेक्नीशियन OT एंड ICU के कैंडिडेट हैं वो 27/7/2023 को जाने वाले हैं, टेक्नीशियन बायोमेडिकल के कैंडिडेट 2/8/2023 को 3 PM तक जा सकते हैं, और नर्सिंग सुपरवाइज़र के कैंडिडेट 2/8/2 अगस्त को, मेडिकल
फिजिसिस्ट के कैंडिडेट 3 अगस्त को और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के कैंडिडेट 5 अगस्त को, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर 7 अगस्त को यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु विल बी फुलफिलिंग द नॉर्म्स विल बी कंसल्ट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं वो अपने जब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजेंगे, सिंगल पीडीएफ फाइल में भेजना है, कहाँ पर भेजना है मैंने बता दिया है। भेजने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा, सभी का इंटरव्यू इसके लिए नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर छांट लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट डायरेक्ट जाने वाले हैं उनका सबका इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाएगा अगर वो इसके लिए प्रॉपरली एलिजिबल हैं। तो जो छात्र पहुँचेंगे अपनी डेट पर, जैसे कि 27/7/2023 को आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट पहुँचेंगे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि है मुजफ्फरनगर बिहार में, आप लोगों को पहुँच जाना है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक जिनकी क्वालिफिकेशन इससे मैच हो रही हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसे ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।